जनता कर्फ्यू या जन भागीदारी का कर्फ्यू ये क्या है और क्या इसके पीछे कोई विज्ञान है? दुनिया भर में इस वक्त कोरोना वायरस का पैंडेमिक हो रहा है और ये वायरस 140 देशों में फैल गई है। हिंदुस्तान में भी ये वायरस है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हिंदुस्तान की 130 करोड़ की जनता जनता कर्फ्यू अपनाए। जनता कर्फ्यू का मतलब हुआ कि लोग अपने घरों में रहें और बाहर नहीं निकलें। तो इससे क्या कोरोना वायरस रुक पाएगी? वैज्ञानिकों का मानना है कि इससे ज़रूर ट्रांसमिशन या जो एक से दूसरे को बढ़ने की क्षमता होती है वायरस की, वो टूट सकती है। लेकिन ये 14 घंटे के जनता कर्फ्यू से नहीं होगा। तो ये 14 घंटे का जनता कर्फ्यू क्या हुआ? 14 घंटे का कर्फ्यू जो है ये एक जायज़ा है कि 130 करोड़ जनता भारत की वो प्रधानमंत्री के आह्वान को मानती है कि नहीं। अगर मानेगी तो कहीं ना कहीं आने वाले तौर पे ये जनता कर्फ्यू कई दिनों के लिए बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि वैज्ञानिक और विशेषज्ञ बताते हैं कि अगर ये कोरोना वायरस को एक आदमी से या एक औरत से दूसरे में ट्रांसमिशन रोकना है या चेन तोड़नी है तो तरीका उसका एक ही है कि लोग अपने घरों में सीमित हो जाएं और जहां इन्फेक्शन है वहीं रहें। उससे ये जो है ब्रेक हो सकता है चेन ऑफ लिंक जो है ट्रांसमिशन का। अभी हिंदुस्तान ना तो इटली वाली स्थिति में है, ना स्पेन वाली स्थिति में है, ना जो स्थिति में है जिसमें कि चाइना था। हिंदुस्तान में जो इन्फेक्शन है वो अभी सीमित हैं छोटे क्लस्टर्स में, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो जनता कर्फ्यू का आह्वान है अगर उसको ढंग से अमल किया गया और थोड़े लंबे दायरे के लिए दौरे के लिए बढ़ाया गया तो उससे ये कोरोना पैंडेमिक की रोकथाम ज़रूर करी जा सकती है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ट्रैफिक चल रहा है, पीछे से मेट्रो भी आ जा रही थी। तो ये है नॉर्मल दृश्य जिसमें कि दिल्ली काम करती है। जब जनता कर्फ्यू होगा तब हम जायज़ा लेंगे किस तरह से ट्रैफिक थमा कि नहीं, लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान को माना कि नहीं। ये जन भागीदारी का कर्फ्यू है और जनता को इसमें भाग लेना चाहिए। नई दिल्ली से पल्लव बागला।